हेलो फ्रेंड्स, शाम की राम राम आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सभी लोग? और भयंकर बारिश होने जा रही थी बट रुक गई है। क्यों? हवा जी उड़ावा के ले गए अपने साथ। तो ये हवा भी ना, जब बादल आते हैं तो हवा भी बहुत भयंकर चलने लगती है, और जो भयंकर बादल आए होते हैं वो हवा के साथ उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, और हम लोग तरसते रह जाते हैं। बाद लोग तरफ ऐसे ऊपर करके देख रहे थे, अब बारिश आएगी, अब बारिश आएगी, और हम लोग बारिश को तरसते रह जाते हैं। और मैंने 2 दिन से अपने गमलों में पानी नहीं डाला था, सिर्फ बारिश के आश्रय कि बारिश आज ज़रूर होगी, कल ज़रूर होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई और मेरे पेड़ सूख गए हैं। स्पेशली मोगरा का पेड़ सूख गया है, बहुत ही बुरी तरह से सूख गया है, और मुझे उसके लिए बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या करूँ, समझ में नहीं आता। और मेरी सिर रो रानी के मज़े देखिए, इनके टेस्ट हैं 22 से, बट ये मैडम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही हैं। इनको डांस करना के मन, डांस करने का मन कर रहा है, वो भी भजन में ढोलक बजाने का मन कर रहा है इनका, और बजाने आता नहीं है, बस इनको थपथपाना है उसको। और गर्मी भयंकर वाली है, जस्ट नहाओ, जस्ट भीग जाओ और कपड़े पहनो, फिर अंदर और रूम में थोड़ी देर के लिए, सूखे कपड़े भी आपके भीग जाते हैं। बहुत भीषण बारिश होने वाली थी बट रुक गई, और बहुत भयंकर गर्मी है, तो समझ में नहीं आ रहा है। और इस गर्मी की वजह से मैं हो गई हूँ बीमार। तो आप लोग कैसे कैसे एंजॉय करें अपनी गर्मी को, ये गर्मियों में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? मैं तो सर्वाइव नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगे हैं कि लगता है भगवान कहाँ चले जाएँ कि जहाँ पर गर्मी ना होती हो, मगर कहीं भी ऐसा नहीं है। सब जगह अपना घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? घर छोड़ के चले जाए तो बच्चे लेके तो नहीं जा सकते, स्कूलिंग है उनका, तो दिमाग ख़राब हो रखा है। स्पेशली मैं तो बहुत ही पागल हो रही हूँ गर्मी की वजह से। तो गर्मी में मुझे तो लगता है कोई भी काम ना करना पड़े। और मेरे बच्चे, माँ हर तरह 10 मिनट बाद, माँ क्या बनाया, माँ क्या बना, कितनी दिमाग खा जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब।